को पूरा के पूरा चाहिए ना, इसीलिए सब टीचर ऐसा ही बेवकूफ बनाता रहता है। चलिए हो गया, कैमरा खिलाई डुलाइएगा नहीं, ठीक है? हम दिख रहे हैं ठीक जी, क्लियर? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आ जाइए अंदर आ जाइए। तू इतना प्यार से गुड मॉर्निंग बोला रे, दिल इधर विधर हो गया। चलिए ठीक है, इधर फोकस कीजिएगा ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री में जैन धर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखिए जैसे ही धर्म आता है, धर्म के बाद समाज आता है, और समाज के लिए जो लड़ मिटे उसे क्या कहते हैं, समाजवादी प्रेमी, या समाजवादी प्रेमी कहते हैं, या देश प्रेमी कहते हैं, या धर्म प्रेमी कहते हैं। एक नाम सुने आप लोग, लॉरेंस बिश्नोई, धरती पर के हम सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर इसी को मानते हैं। सतयुग में सीता जी, राम जी, रावण, इधर एगो मरा सो सलमान खान, सो बिश्नोई। बिश्नोई एक समाज था, समझ में आया? बिश्नोई एक क्या है, समाज है। अब बिश्नोई के समाज के लोग जानवर से इतना प्रेम करते हैं, अगर वो जानवर भूखा प्यासा रहे ना, तो स्त्री महिला लोग उसको अपना दूध पिला देती है। सोचिए, समझ में आया? और उसका समाज में जाकर सलमान खान ने 1906 में वो काला हिरन के मार दिया, उसका लड़ाई अभी तक चल रहा है, रॉयल बिश्नोई ले रहा है, सोचिए। ठीक है, तो ये होता है क्या, बहुत समाजवादी, समाज प्रेमी। और अभी देखो, समाज प्रेमी जातीय नहीं रहेगा तो धर्म के करेगा, सॉरी धर्म में नहीं रहेगा जाति के करेगा कि, ठीक कर रहा है, रियल हीरो है रे, समझना यार। हमने क्या रियल हीरो अभी हम पढ़ते हैं जैन धर्म, कोई दिक्कत? जैन धर्म पढ़ने से पहले इसमें बहुत सारा तात्कालिक शब्द आएगा। ए छोटू आगे आ जाओ, यहाँ बैठो, नहीं समझ में आएगा इधर आएगा, जिसको जो नया बच्चा है, छोटा बच्चा है, उधर चल जाएगा। ठीक है, देखिए शब्द का जो हिस्ट्री में है, शब्द का खेल है। अगर शब्द ज्यादा समझिएगा, स्टेट पीसीएस हो गया, उसमें ज्यादा लिख पाइएगा, आंसर क्वेश्चन आंसर राइटिंग में मेंस में ज्यादा लिख पाइएगा। आज शब्द के खेल नहीं रहे, शब्द आपको डिफाइन नहीं कर पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, इसीलिए कोई शब्द होगा पूछिएगा। पहला देखिए, छठी शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदाय। संप्रदाय में समझते बहु, अलग अलग धर्म को मानने वाला। संप्रदाय का अर्थ क्या हुआ, अलग अलग संप्रदाय को मानने वाला या धर्म को मानने वाला। देखिए ये मिटाते हिरन, कितना हल्का लगा, हाथ से मिटा दिए ठीक है, लेकिन इसको मिटाने के लिए भी जानता सलमान खान मिटाया है, वो अभी तक नहीं मिट रहा। दिख रहा है ना कैमरा में, संप्रदाय का अर्थ क्या हुआ, अलग अलग धर्म को मानने वाला को क्या कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, संप्रदाय लोग। आ जाइए, छठी शताब्दी में कितना संप्रदाय आया, 72। कितना आया, 72। लड़की लोग चलेगी ना एकदम ढाई सौ बेच में टकरा जाएगा, अरे देख क्या ये दीदी, इधर चाबी नुमीन है एकदम, अखिया मूल्य चलेगी। हट रजौली खट्टी में देखिएगा, दू झोला इधर और चल रही इधर, गाड़ी ठोक दिया, बड़ी तकलीफ। इधर देखिए, अब नहीं सही बोले, हम देखते हैं अक्सर देखते हैं छठ आ रहा है ना, छठ आ रहा एकदम बाबू, छठ में हम जाते हैं साइड में खड़ा रहते हैं, देखिएगा इन्हें जा रही, देख रहा है इन्हें, आओ सनके में गिर पिर जाएगी तो की कहेगा, सैंडल ऊंचा था, हिल वाला था। अच्छा बताइए, छठ पूजा में सैंडल पहन के जाए चीज है, खाली पैर जाना चाहिए, वहां के बोला थोड़ा उड़े ले, उड़े की जगह है उधर, तो फिर नहीं समझते हैं। चलिए वो जैसे उनमें से प्रमुख धर्म, देखिए 72 संप्रदाय में 72 गुण पढ़ाएंगे, इसमें क्या होगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, आजीविका हो कुछ, आजीविका है, आजीवक संप्रदाय, ये सब सारे सारे संप्रदाय पढ़ाएंगे, 8-10 गो प्रमुख है, वो सब निपटा देंगे पढ़ के। ठीक है, अब आते हैं जैन धर्म का, जैन धर्म जो है ये देखिए, जैन धर्म लिखा है, कौन सा शब्द है, कौन सा विशेष है, संस्कृत शब्द है, क्या वो क्या, संस्कृति लिख दिए, संस्कृत शब्द से बना हुआ। ठीक है, आ इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है विजेता, क्या होता है, जैसे जैन धर्म का अर्थ क्या होता है, विजेता होता है, यहां तक क्लियर? अब सुनिए बहुत, जैन धर्म का मुख्य केंद्र क्या था, मुख्य केंद्र अहिंसा, क्या अहिंसा, हाँ ऐसा बात, अब ठीक दिख रहा, जैसी होगा कैमरा डिसमिस बोलिएगा, नहीं तो पढ़ाई गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है ना, आ जाइए समझ रहा जी, ठीक है ना, कितना संप्रदाय था,
बहत्तर, बहत्तर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, आजीवक संप्रदाय सब का प्रमुख आठ दस पढ़ लेंगे। और संप्रदाय का अर्थ क्या होता है भाव, संप्रदाय का अर्थ धर्म, कौन सा धर्म मानने के लिए आया, कैवी शताब्दी में, छठी शताब्दी में, कोई दिक्कत भाव। ये जो जैन धर्म है कौन सी भाषा में है, उसका अर्थ होता है भाव संस्कृत। और जैन धर्म का अर्थ क्या होता है, विजेता, क्या होता है, विजेता, कोई दिक्कत। इसका मुख्य प्रमुख केंद्र क्या था, अहिंसा, क्या था, इस धर्म के संस्थापक, इस धर्म के संस्थापक कौन था भाव, संस्थापक कौन था, ऋषभदेव, कहते थे ऋषभदेव, हम आंसर बाबा लिखे ना यहाँ, आप लोग नोट करके बनाइएगा, ऋषभदेव। इसका संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता, प्रवर्तक को क्या कहता था, तीर्थकर कहा जाता। तीर्थकर का अर्थ क्या होता है भाव, क्या होता है, मानने वाला, जो होता है उसमें समय इंक्लूड किया, अपना समय दिया, ज्ञान प्राप्त किया, उसको क्या कहते थे, तीर्थकर कहा जाता था। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। तीर्थकर का अर्थ होता है दुख से परे, संसार के रूप सागर को पार करने वाला। अच्छा बताइए, साधु संत के देखे हैं, उसको टेंशन होता है हमारी बीवी कैसी है, हमारी गर्लफ्रेंड कैसी है, हमारा बच्चा कैसा है, हमारा स्कूल बेटा जाता होगा नहीं जाता होगा, कोई टेंशन है, दुख संसार मोह माया से दूर परे। आज तपस्वी लोग को क्या कहते हैं, तीर्थकर कहते हैं। क्लियर, तीर्थकर का मतलब, तीर्थकर का अर्थ समझ में आ गया सबको, आगे बोलिए, आ गया कैमरा, गया घर, क्या दिक्कत नहीं, आवाज आएगा, आ जाएगा, ठीक है, डिस्टर्ब होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ठीक चलेगा ना जी। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निवारण करते थे, क्या बहु निवारण करते थे या प्राप्त किया वहां, कोई दिक्कत। अब देखिए बहुत, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर आए, यहाँ तीर्थकर कितने थे, 24। अच्छा बताइए 24 के 24 पढ़ेंगे, नहीं नहीं दो तीन पढ़ लेंगे, फर्स्ट सेकेंड लास्ट, हम तो ये जाने फर्स्ट सेकेंड लास्ट, समझाया। जैन धर्म सुनिए बहु, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर माने जाते थे, जिन्हें समय समय पर जैन धर्म के प्रचार किए। बहु देखिए 24 गो था, लेकिन सबके समय समय पर क्या किया, प्रचार। प्रचारक के मतलब क्या होता, नहीं समझे, वंशज। और वंशज के मतलब क्या होता, खानदान को आगे चलाने वाला। समझ ली, जैन धर्म में कितने पीढ़ियां है, 24। 24 को क्या किया, समय समय पर अपना क्या किया, प्रचार किया। अब वो प्रचार के रूप में अंतिम में लड़ाई भी तो होता होगा, नहीं होता, जैसे कि आपका दादाजी चार भाई थे, एक में खाना बनाते थे, शादी हुआ उनका बाल बच्चा का, अभी दो दो दादाजी बट गए, बड़ छोटे एक दिन है, माझे सही एक दिन है, अभी ये चारों शादी हुआ, अभी चारों चार दिशा में बट गए, समझाया, तो बंटवारा होते चल गया होगा। इसी अंतिम में क्या व्यवस्था होगा, सब अलग अलग वंशज, कोई ईसाई धर्म अपना लिया, कोई धर्म अपना लिया, कोई धर्म अपना लिया, सारे सारे क्या हो गया, बट गया। अरे अपने घर में रहते, आज के डेट में हम एक भी ऐसा घर नहीं देखे जिसमें घर में कमारा हो और बंटवारा हो, जब भी बंटवारा होता शादी होता तब भी ऐसे का है, इसीलिए कहते हैं लड़का इधर बेस्ट, समझाया, नहीं बोले सही, सही बोले कि नहीं, हाँ सही, परिवार बढ़ जाते हो तो ये पहले धक्म जाकर अलग कर देगी, हो जा पर अलग कर भाई, समय चल तो ठीक है, चलिए हम लोग इधर चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे, 23वें कौन थे भाव, 23वें तीर्थकर कौन थे, पारसनाथ, पीएन, क्या थे, पारसनाथ, कोई दिक्कत। इनका जन्म कहाँ हुआ, पारसनाथ का, वाराणसी में, पारसनाथ का जन्म कहाँ हुआ, वाराणसी में था भाव, वाराणसी के राजा, सॉरी सॉरी, इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के हुआ था, इच्छाउक वंश का संबंध, देखिए वो इच्छाउक था, क्या बो, इच्छा वाऊक का वंश में हुआ था, किनका जन्म हुआ था, पारसनाथ का जन्म, इन्हें की पारसनाथ डायक जन्म, ठीक है, उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, वाराणसी में, कहाँ हुआ था, इसके अश्वसेन के राजा किया, ठीक है। अब बहुत सुनिएगा, इन्हें झारखंड में संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ, पारसनाथ को बहु ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, संवेद शिखर पे, क्या बहु, संवेद शिखर पे, संवेद शिखर कहाँ है, झारखंड में, कहाँ है, झारखंड में है, कोई दिक्कत, जिस कारण से संवेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया, मैंने बहुत संवेद शिखर पे पारसनाथ को विद्या प्राप्त हुई, संवेद शिखर का नाम क्या हो गया, पारसनाथ शिखर, क्लियर, पारसनाथ कौन थे, 23वें तीर्थकर थे, कोई दिक्कत। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव, चलिए ठीक है। अब देखिए बहु, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म
दिया जो निम्नलिखित चतुरायन धर्म दिया, मतलब समझते हैं वो जैसे कि जो भी पावर में आते हैं वो कुछ ना कुछ प्रवचन देते हैं। क्या आते हैं? प्रवचन। ये प्रवचन क्या दिए? पहला देखिए, झूठ ना बोलो। क्या बोलो? झूठ ना बोलो इक्वल टू सत्य, माने बराबर क्या? सत्य बोलो। फिर दूसरा बोला वो धन संग्रह ना करो अपगृही। क्या बोलो? अपरिग्रह होता, अब यहां लिख दिया गलत, अपरिग्रह होता, अपरिग्रह। धन को ना जमा करने वालों क्या बोलते हैं? अपरिग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी के डेट में वो झूठ बोलता है और धन जमा करता है। समझाया? देखिए हमसे सीखिए, हमें कोई झूठ बोलता है आज तकले? कभी भी झूठ नहीं बोले आज तकले। धरती पर जाइए आए हम अपना होश में झूठ नहीं बोले। बोले झूठ जी? देखो डायरेक्टली बोलते हैं, लड़की मोटी छोटी कुछ इस तरह उसी बोल देते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। मारे हम लड़की रोको। चोरी ना करना बहु, की बोला अगला बहु? चोरी ना करना, हिंसा ना करना, ये चार प्रवचन दिए थे। कितने प्रवचन? चार प्रवचन दिए थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। माने बहु जैन धर्म के 23वें कौन थे? पारसनाथ। पारसनाथ हम लोग पढ़ लिए, कहां जन्म लिए थे? अश्वसेन। कहां बहु? कौन राजा के? वाराणसी में जन्मे थे। विद्या प्राप्त कहां हुआ? झारखंड में। कौन चोटी पे बहु? संबेद शिखर। संबेद शिखर को क्या नाम पड़ गया? पारसनाथ चोटी। समझाया? 23वें तीर्थंकर खत्म। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी 24वें थे और अंतिम तीर्थंकर थे। क्या बहु? 24वें थे और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था बहु। माने बहु महावीर और एस से स्वामी, इसे बहु इसको क्या मानते थे? अंतिम अंतिम तीर्थकर और वो क्या? वास्तविक। वो दिक्कत ठीक लिखे जी? वास्तविक, वास्तविक तीर्थ माने जाते थे। माने अंतिम था और वास्तविक था। तुमसे पूछा जाएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। वास्तविक रहे तो महावीर स्वामी और ऐसी वास्तविक खटा हुआ है तो कौन होगा? ऋषभदेव होगा। कोई दिक्कत? अब सुनिए बहु, इनका पिता सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। ज्ञात्रिक कुल का राजा थे। अच्छा बताओ महावीर स्वामी का पिता का नाम कौन था? क्या चीज था? सिद्धार्थ था। कोई दिक्कत? इनकी माता कौन थी बहु? त्रिशला थी। क्या थी? त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश के चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नगदी वर्मन थे। क्या था बहु? नगदी वर्मन थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायग्राम मिटा देना। क्लियर? अब आप देखिए हम लिखते जाएंगे, आप लोग बोलते जाइएगा। समझा रहा आप लोग को? तो क्लियर आ रहा है सबको? पीछे वाला बच्चा, तो पीछे वाला बच्चा अपने में खुश है। भैया जो पढ़ाना पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम ढेला फोड़ के काम चला लेंगे जिंदगी को। अभी पढ़ा रहे हैं बाबू तो पढ़ लो। क्या करा रहे हैं? अभी पढ़ा रहे तो पढ़ लो, बाद में शादी ब्याह होता है ना तभी खाता है, तोरा नियन का चूल्हा फूंक दे। समझना या गाने सुने? चूल्हे में फूंक दे। एक नहीं को एक काम करेगा, आतुरी की बुद्धि नहीं है। नौकरी देखे? नौकरी ज्वाइनिंग के पहले 3 महीने टाइम देता है। क्या होता है? 3 महीना काहे देता है? बात बतियाना खेलना बाटी सब कर लीजिए। आ छुट्टी 1 साल। क्या बोल? 1 साल में कितना दिन? 1 से 2 महीना 30 दिन के 60 दिन देता है। 10 दिन आने में 10 दिन जाने में बचा क्या? 1 महीना। सरकार जानता है लड़का लोग की जिंदगी कितना खराब हो जाता है, इसीलिए छुट्टी कम देता है कि घर में आके खिचड़ी फिचड़ी करते रहेगा। ठीक है, इधर देखिए आप लोग, देखिए छोटी शिवानी देखो कितनी मजा से आराम से क्लास देख रही है। सबसे अच्छा तो वह देख रही है, मतलब है नहीं आप लोग से। देखिए बोर्ड देखिए, दिखेगा तो बोलिएगा। ठीक है, ठीक दिख रहा? देखिए बहु, कौन सी भाषा? कोई दिक्कत? विजेता मतलब वो अर्थ क्या होता है? वो जैन धर्म का अर्थ क्या होता है? कैवी सदी में आया बहु। कितना संप्रदाय? 72 संप्रदाय। कोई दिक्कत?
अब देखिए बहु, जैन धर्म का सबसे विजेता अश्व था, बहु जैन धर्म का मुख्य केंद्र क्या था बहु, दिख रहा सही आ? नहीं दिखेगा बोलिएगा, ठीक है। मुख्य केंद्र क्या था बहु, अहिंसा था, क्या था, अहिंसा लिखे नहीं किए वो दिक्कत। अब बहु जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता था, प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता था, क्या बहु, किसको बहु, प्रवर्तक को, कोई दिक्कत। अब ऋषभ जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, माने तीर्थकर की संख्या कितनी थी, 24। पहला तीर्थकर कौन था, ऋषभ, ऋषभ देव, कोई दिक्कत। अब बहु तीर्थकर का अर्थ क्या होता है बहु, अर्थ क्या होता है, दुख, दुख से परे, संसार से, मोह माया से बिछड़े हुए, किसी से कोई मतलब नहीं, और अपना बहुत विद्यापीठ में ध्यान देना, समय देना, लक्ष्य को साधना, विद्या प्राप्त करना, क्या कहलाता है, तीर्थकर कहलाता है, कोई दिक्कत। अब बहुत सुनिए बहुत, ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निवारण को प्राप्त किया, क्या बहु, निवारण को, एक बहु ऋषभ देव कहां पर, हिमालय पर्वत पर, समझिए विद्या प्राप्त हुआ, कुल कितने तीर्थकर, 24 था बहु, जिन्हें समय समय पर प्रचार करना, देख तीर्थकर का काम क्या था, अपना अपना जो होगा धर्म का, आते गया प्रचार करते गया, आते गया प्रचार करते गया, प्रचार से कभी सुने हैं, हेलीकॉप्टर के प्रचार कभी सुने, रॉकेट के प्रचार, कौन रॉकेट के तो सुन लिया, अकेजा सुन लिया, भीको के सुना होगा, फेयर लवली सुना होगा, डब के सुना होगा, सुना है सबके, रोटी के प्रचार सुन लिया होगा, ब्रेड के प्रचार सुन लिया होगा, गाय के दूध के प्रचार सुना, डुप्लीकेट होगा, जिसका प्रचार है उसका वैल्यू है, जिसका प्रचार नहीं अमूल्य है, उसका कोई कीमत नहीं है, बहुत बढ़ चढ़ की कीमत है। हेलीकॉप्टर का प्रचार सुन ली, आइए हेलीकॉप्टर फलना, बर्तन मैसे वाला साबुन के प्रचार, सो नींबू की शक्ति, अच्छा बताए, सो नींबू की शक्ति 300 करोड़ के दे देता और 10 आदमी पिला दे, हो गया काम, बेवकूफ बनाता है प्रचार, ठीक है। तो 24 को आया, क्या है वो, 24 को तीर्थ कर आया, और अपने अपने समय अपने संप्रदाय को क्या किया, प्रचार किया, कुछ नहीं किया। जैन धर्म के 23वे तीर्थकर के थे बहु, देखो बहु, पहला कौन था, ई, इसके बाद आए बहु 23वे तीर्थकर, के बहु 23वे तीर्थकर कौन थे बहु, तारसनाथ, के थे, तारसनाथ, कोई दिक्कत। इनका जन्म बहु कहां हुआ, पारसनाथ का जन्म कहां हुआ, वाराणसी में, इनका देखिए बहु दो को कहानी हुआ होगा, एक पिताजी का नाम क्या हुआ, पिता का नाम क्या था, आशुसेन के, यहां क्या बहु, आप लोग कुछ नहीं पाते हैं, ठीक है। इनकी मम्मी का नाम क्या हुआ, कौन सा वंश था बहु, कौन सा वंश था, इच्छाऊ को, क्या बहु, हम लोग इच्छाऊ बोलते हैं, वो दिक्कत। इनका वंश था, इन्हें झारखंड के संबेत शिखर पर, देखिए बहु वाराणसी में हुआ था, इन्हें विद्या प्राप्त कहां हुआ बहु, झारखंड में बहु, झारखंड में, कोई दिक्कत, कौन पहाड़ी पे बहु, संवेद बहु, संवेद शिखर, कोई दिक्कत, संवेद शिखर पर हुआ था बहु, उन्हें बहु इसीलिए उसे संवेद शिखर काम चोटी का नाम हो गया, पारसनाथ चोटी, क्योंकि पारसनाथ को विद्या प्राप्ति कहां हुआ, संवेद शिखर पे हुआ बहु, ठीक है, कोई दिक्कत। इनका नाम आप लोग कमेंट में कीजिएगा, इनका मां का नाम, ठीक है, कोई दिक्कत, पारसनाथ क्लियर यहां तक ले। अब बहु इनका कुछ प्रवचन भी था, क्या था बहु, प्रवचन था, पहला बहु झूठ ना बोलना, जो भले को भी आप लोग अभी करते हैं, दूसरा था बहु धन को संग्रह ना करना, जो कि करते हैं आप लोग कर करके, 10 रुपया जैसी बार किए उनका पाया, 30 रुपया हुआ चलो 25 ग्राम वाला हो जाएगा, समझ आया, नहीं हुआ करते हैं,
अर्थ, चोरी ना करना, हिंसा ना करना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे बहु? महावीर स्वामी। देखिए बहु, ये पहला थे ऋषभदेव, तेसवां थे पारसनाथ, और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता है बहु? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक। दिख रहा है इधर? वास्तविक संस्थापक किसे बहु? महावीर स्वामी को। तुमसे पूछा जाएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो स्वामी महावीर, अगर पूछ दे बहु जैन धर्म के संस्थापक तो कौन बोलिएगा? ऋषभदेव। कोई दिक्कत बहु? आप सुनिए बहु, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे थे, इनका पिता का नाम क्या था? इनके मम्मी भी आए थी और पापा भी। मां के नाम त्रिशला था और पापा के नाम सिद्धार्थ। कुछ नाम तो बहु सिद्धार्थ ने। देखिएगा हम कुछ और नहीं लिख दे, कोई दिक्कत? अब वो कौन सा वंश के था, कौन सा कुल के था महावीर स्वामी? कौन सा कुल के थे? ज्ञात्रिक। क्या थे बहु? ज्ञात्रक होता था, ज्ञात्रक। वंश को कुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंश को कुल भी, या कुल के मतलब खानदान भी बोल सकते हैं, जनरेशन भी बोलते हैं अभी इंग्लिश में, ठीक है। इनकी माता त्रिशला जो बहु लिच्छवी नरेश की चेतक की बहन थी। ये बहु किसकी बहन थी? लिच्छवी नरेश, माने लिच्छवी की राजकुमारी थी, और उनका भाई का नाम चेतक था। इसका भाई का नाम क्या था? कहां के रहने वाली थी? लिच्छवी के रहने वाली थी, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन क्या था? वर्धमान था बहु। जन्म बहु 540 ईस्वी पूर्व, माने जन्म कब हुआ बहु? 540 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व के माने बीसी लगा सकते, क्या बहु? बिफोर क्राइस्ट। कोई दिक्कत? अब वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका पत्नी बहु यशोदा थी। क्या थी बहु? कुंडल ग्राम। क्या बहु? इनकी पत्नी थी, माने इनका जिंदगी का सत्यानाश करने वाली। देखिए बहु, एक चीज बात हमेशा बता देते हैं हमें एकदम फुल्ली और फाइनली। सब बोलता है किसी सक्सेस पुरुष के या सक्सेस लड़का के पीछे लड़की के हाथ होता है। ये तो हम मानते हैं, नहीं मानते हैं, देखा नहीं है, देखे नहीं आज तक ले, लेकिन चौपट करे में लड़की का हाथ होता है, ये हम देखे हैं। समझ में आया? चौपट करे में लड़की का हाथ होता है। अरे जो लड़का अच्छा से पढ़ते ना, ओकरा एगो मैसेज करके बस खाना खा लिया, ओकर जिंदगी खा जाएगी, वो चल जाएगा। हाँ, अपना आंख से देखे लड़का को भटकते, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आगे लेकर गृह त्याग कर दिया। देखिए बहु, पहले सुनिए बहु, इनकी बेटी प्रियदर्शनी थी। इनकी एक बेटी थी महावीर स्वामी, कौन था बहु? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी को समझते हैं? मनमोहित करने वाली लड़की, सुंदर। मुंह से क्या निकल गया मेरा जी, ठीक है। मैंने एक लड़की थी प्रियदर्शनी, उसका नाम था, ठीक है, और कोई बात बड़ी नहीं था, ठीक है। इनका बेटी का नाम, इनका एक बड़े भाई का नाम था, इनका बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन। क्या बहु? नंदी वर्मन से इजाजत, माने आज्ञा लेकर स्वामी महावीर स्वामी घर छोड़ दिए। जब घर छोड़े कितना उम्र था? 30 साल। कितना उम्र था? 30 साल था बहु। कोई दिक्कत? 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जांभिक ग्राम में साल ब्रिज, जिसको बोलता है वो बरगद, क्या बहु? बरगद के नीचे विद्या प्राप्त हुआ। ऐसे क्या सीख मिल रहा? बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे, नदी के बगल में, हिमालय के बगल में, पर्वत पर, विद्या सब साइड में भरल है। और हमने कहां पढ़ल है? व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ले यहां विद्या जा रहा है, विद्या के पास। समझा यार, साइडे रहिए, सबसे विद्या आएगा। कभी कभी नए मन होता है, रूम में जाइए डांस कर लीजिए। नए मन होता है, आपके गांव ग्राम में नदी है, बगल में जाकर बैठिए। नए मन होता है, जो परेशान कर रहा है उसको जाकर ढकेल दीजिए, डैम चल जाइए, पहाड़ तरफ चल जाइए। इतना हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये सब काम कीजिए, लेकिन आप लोग का मरना डूब के हो जाए है। के रो रहा जी, ठीक है।
12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जांभिक ग्राम में। अच्छा बताइए महावीर स्वामी पहले क्लियर कर लो, ठीक है इतना मिटा दे, कर लिए इतना कर लीजिएगा बाद में। समझा रहे सबको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? होगा भी तो हम क्या कर सकते हैं, इतना बेहतर से पढ़ा रहे हैं किस रिश्ते। चलो नहीं अच्छा वीडियो खत्म होने दो, तुम मन सा रे तुमको तो आज मार के गाल लाल कर देंगे। हाँ हाँ आज धुन आ जाएगी। हाँ वो सब शर्त नहीं रखी थी, तुम कंडीशन अप्लाई कर दी। हमको इतना मीठा पसंद है, देखो कितना मीठा मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा पसंद है हमको तो बहुत। हमको मिठाई दे दे बस, कुछ छू दे दे, मीठा होना चाहिए वो भी सही है। देखिए बाबू इधर देखिए महावीर स्वामी को बना रहे हैं डायग्राम, ठीक है महावीर स्वामी का। अच्छा बताइए इक्कीसवें तीर्थंकर थे, चौबीसवें महावीर स्वामी कैवें तीर्थंकर थे, चौबीसवें और अंतिम क्या बाबू? इन्हें क्या कहा जाता था? वास्तविक संस्थापक। समझ आ गया कोई दिक्कत? इनका पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? माता के नाम त्रिशूल। कोई दिक्कत? आ कौन से वंश के थे? गायत्री। दिक्कत? अब इनकी माता त्रिशला जी वो लिच्छवी नरेश की बेटी बहन थी, क्या बहन? लिच्छवी नरेश, लिच्छवी रहने वाला, ठीक है निर्जल चेतक की बड़ी बहन थी वो। बड़ा भाई इसका कौन था बहु? वर्धमान। क्या बहु? बड़ा भाई वर्धमान। इनका बचपन का नाम क्या था? सॉरी बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? यस सर गलती लिख दिए, इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। तो नहीं इतना डिस्टर्ब कर दिया कि हमारा दिमाग इन पे नहीं हो गया, ठीक है। अब भाई वो इनका जन्म कब हुआ? आज से 540 ईस्वी पूर्व। लिखते हैं पांच सौ चालीस ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। कहां बहु? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। ग्राम किसमें लगता है? इसमें बहुत पॉपुलेशन माने जनसंख्या कम हो, घरों की संख्या कम हो वहां ग्राम लगता, घर की संख्या जनसंख्या अधिक उसको सिटी बोलते हैं, शहर बोलते हैं। कोई दिक्कत? इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। क्या था बहु? इनकी पत्नी का नाम क्या था बहु? वाइफ का नाम क्या था? कोई दिक्कत? इनकी बेटी प्रियदर्शनी बहु जिसको बोलते अनुजा। क्या बहु? प्रियदर्शनी के दूसरा नाम क्या था? अनुजा थी बहू तथा दामाद जालिम था, सॉरी जमाली था। दामाद क्या था बहू? जालिम ने। इनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम क्या था? इनका दामाद क्या था जल्दी बोलिए? जमाली। ये क्या थी? पुत्री अरे दामाद किसका? महावीर स्वामी। कोई दिक्कत? जालिम सिंह आ गया। 30 वर्ष की उम्र है वो, क्या बहु? घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिए बड़े भाई से आज्ञा लेकर। कोई दिक्कत? यहां तक बात क्लियर? 12 वर्ष कठोर तपस्या, क्या कितने वर्ष बहु? 12 घंटा तुम लोग से पढ़ा नहीं जाएगा, विद्या खुशी प्राप्त होगा तुम लोग को। 12 घंटा अगर चैट करने बोले बाबू सोनत कर लीजिएगा, लेकिन 12 घंटा पढ़ नहीं सकते। 12 घंटा मेरे आखिर एक दिन चलाएंगे,
देखिएगा, देखते हैं कितना चलता है। 12 घंटा कंटिन्यू पढ़ाएंगे, समझा या? जितना देर मेरा मोबाइल चलेगा कैमरा चलते रहेगा लाइव में, ठीक है। जांबी ग्राम में एक साल वृक्ष माने वो बरगद, क्या वो बरगद के नीचे रिज्जू पालिका नदी के तट पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन बहु? रिज्जू पालिका नदी माने बहु कहां विद्या प्राप्त हुआ बहु? 12 वर्ष पहले क्या किया? तपस्या किया। कहां? जांबिक में। जांबिक में कोई दिक्कत बहु? किस कौन पेड़ था बहु? बरगद पेड़। कोई दिक्कत बहु? कौन सा नदी बहु? रिज्जू पालिका। ये है जी, कौन नदी था बहु? रिज्जू पालिका नदी के तट पे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। जिनको जिनको ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे क्या कहते हैं? कैवल्य। क्या कहते हैं बहु? कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य जिन या निगृत कहा गया बहु। जिन का अर्थ होता है वो विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है बहु? विजेता होता है बहु। निगृत का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। अच्छा बहु, मोह माया क्या करता है? जो हारता है। अगर अभी हम बोल दें आप अपने भाई को मर्डर कर दीजिए, करिएगा? नहीं, नहीं कर पाइएगा। तो कहते नहीं है, अगर कर दिए तो आप खूनी हो गए, मोह माया जुदूर, ठीक है। जिन का अर्थ क्या होता है वो विजेता। अब निग्रोध, निग्रोध का अर्थ क्या होता है वो? मोह माया से या बंधन से मुक्त। नहीं बोलता जा मैं तुझे अपने दिल से आजाद किया। अरे बाबू, ये को दिल में छेद रह जाएगा, बिलबिला के मर जाएगा, आजाद कर दिया। करेगा कोई आजाद? साइंस से पगला दिए। वर्तमान में जांबिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा रिज्जू पालिका नदी की पहचान दामोदर नदी है बहु। देखो बहु, जांबिक जो है बहु, जो रिज्जू नदी है कौन नदी है अभी? दामोदर। आप पर्वत कौन था बहु? वर्तमान में जांबिक ग्राम को क्या बोलते हैं? हजारीबाग। क्या बहु? हजारीबाग। अब अगर तुमसे पूछा जाएगा बहु, जांबिक नगर जो था वर्तमान में कौन सा शहर है? हजारीबाग। अगर तुमसे पूछा जाएगा बहु, रिज्जू बहु नदी जो है वो अभी कौन है बहु? दामोदर। कोई दिक्कत? इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बीतुलाचक पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। पहला प्रवचन कहां दिया? राजगीर में। क्या बहु? राजगीर में। कहां? कौन पहाड़ी? बीतुलाचल। बीतुलाचल पहाड़ी के बराबर नदी के तट पर दिया था बहु। भाषा में दिया मैंने बहु प्राकृतिक भाषा अधमगही। क्या बहु? अधमगही। जैसे हम पढ़ाते हैं कभी ठेठे बोल देते हैं, कभी सुधीनी बोलते हैं, कभी जैसे मन उसे बोलते हैं, कभी इंग्लिश भी बोल देते हैं। इंग्लिश बोल भी नहीं करते हूँ, पागल इंग्लिश क्या बोले जी? इंग्लिश पसंद नहीं। मेकअप किया लड़की वो भी पसंद नहीं, कि दोनों एक जैसा। जखने उतरेगा गड़बड़ा जाएगा। बोली का है अभी हम किस इंग्लिश से बात कर रहे हैं? अनचिन्हार लोग इंग्लिश में कर लिए। चार को मिल गया पिछुआ से घर वाला दोस्त अंग्रेज बनता था, भरदम इज्जत करेगा। आप लोग भी मेकअप करके गए, शादी हुआ मेकअप धोवाया, हस्बैंड आपका चिन्हिए नहीं रहा, सुनना गड़बड़ा जाइएगा। ये दोनों उतरला के बाद बहुत दिक्कत देता है। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमालीन बना। भिक्षु में समझते हैं उनके अंदर काम करने वाला पहला स्टाफ के बना? जमाली माने उन्हीं का दामाद था। सोचो बाबू कितना अच्छा ससुर होगा, अपने सन्यासी बना, अपन दामाद को ही भड़काया, बेटी को छोड़ दो, हम उसकी माँ को छोड़ दिए, तुम बेटी को छोड़ दो। तुरंत उसका भिक्षु बन गया जमाली। कोई दिक्कत? जैन प्रथम जैन भिक्षु चंपा थी। भिक्षुणी कौन थी बहु? प्रथम भिक्षुणी चंपा, प्रथम भिक्षु जमाली। जमाली कौन था? उनका दामाद था बहु। जो राजा दहीवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुर नारायण धर्म ब्रह्मचार्य जोड़कर पंचायन धर्म दिया गया बहु। ज्ञान प्राप्ति के बाद बहु क्या जोड़ दिया? पंचायन। क्या जोड़ दिया? पंचायन का अर्थ क्या होता है बहु? ज्ञान प्राप्ति जो किए थे, अज्ञान प्राप्ति से जो आपको अंदर संयम आया और ज्ञान का प्रवचन दिए, उसे पंचायन कहलाता है। कोई दिक्कत? जैन धर्म के पंचायन धर्म पहला कौन था? अहिंसा। पहला कौन था? अहिंसा। जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार का हिंसा ना करना।
कोई दिक्कत। दूसरा था बहुत सत्य, सत्य सत्य बोलना बिल्कुल मेरे तरह, कभी झूठ ना बोलना, सत्य बोलते हैं हमेशा। अत्यस वो, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, ना ऐसी कोई इच्छा रखना, जानते हैं इच्छा ना रखना, जैसे कि ये वस्तु आपका है उसको लेने के लिए हमारी इच्छा नहीं होना चाहिए, नहीं तकलीफ होगा। किसी से राय जान लीजिए, जैसे कि राय जान लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि हम कैटरीना कैफ से प्यार करते थे, हम नहीं करते थे, वो नहीं करती होगी, इच्छा जान लेना बहुत जरूरी है। अभी के डेट में लड़का लोग किसी को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक लपड़ मार के पूछती है क्या बोला तूने, उसका इच्छा जान लेता पहले, मारी काहे ले, जब मार तो मार दी, फिर काहे पूछती है क्या बोला तूने, जब सुनी भी नहीं मार भी दी, लड़की लोग मतलब बीमारी, ठीक है। ये क्या हुआ, वो अंतिम इच्छा दिया। आप देखिए अब बताते हैं, आप गृही, क्या बहु, आप रिग्रह होता है, लिख दिया गलत, आप रिग्रह का अर्थ होता है बहु किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना, क्या बहु, न पैसा जमा करना, न परिवार को एकत्रित करना, न गांव को एकत्रित करना, कुछ भी जमा नहीं करना। अब क्या बहु, ब्रह्मचार, ब्रह्मचार्य व्रत का सख्ती से पालन करना। ब्रह्मचार्य के मतलब क्या है, लड़कियों ने आ रही इधर घुस जाओ, लड़की इधर आ रही इधर आ जाओ, इधर आ रहे तो ऊपर देखो, और ऊपर अगर उड़ रही पर उड़ी तो नीचे देखो, और नीचुआ है तो आंख मुन लो। ये एकदम सत्य, एकदम कड़ा ब्रह्मचार्य का पालन करना, समझाया। और उससे हम रहे तो हम चश्मा पहने पड़ेगा, हमारा नियम रहे बाबू, सही बता, चश्मा पहन लेंगे, चश्मा बेहतर, हम देख रहे नहीं देख रहे, तू आगे बढ़, समझा, काला चश्मा, ऐसे भी काला काला चश्मा कोई दिखते नहीं होगा हमको, कहेंगे आंख खराब हो गया हमारा, क्लियर, ठीक है। अब देखिये, वो जैन धर्म के पांच श्रेणियां थे, जैन धर्म की कितनी श्रेणियां, नंबर एक बहु तीर्थकर, क्या बहु, वह जिसने बहु मोक्ष की प्राप्ति कर ली उसे क्या कहते थे, तीर्थकर। दूसरा कौन था, वो आहर, क्या बहु, वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर आग्रह कर लिया वो। तीसरा क्या था, वो आचार्य, आचार्य की किसको बोलते थे, भिक्षा मांगे वाला का आचार्य बोलते थे पहले जैन धर्म के, क्या बोलते थे, जैन धर्म भिक्षुओं के समूह, क्या बोलते थे, भिक्षुओं के प्रमुख या समूह के हेडमैन को, जैसे वो बटालियन, क्या बहु, 105 बटालियन होता है, 105 बटालियन के कर्नल होता है, क्या होता है, उसको आचार्य बोलते थे। तो कल अंदर भिक्षु काम करता था, जेकर अंदर भिक्षु काम करता था उसको क्या बोलते थे, आचार्य, क्या बोलते हैं, आचार्य। ये बताएं एग्जांपल, 105 को बटा, 105 को पुलिस है, वोकर हेड रहता है कर्नल, उसको हम लोग अभी सुधी दिन बोलेंगे आचार्य। आप पहले आचार्य के अंदर 15-20 को पारे रहता था, भीख मांगता था भिक्षु, उसको बोलते आचार्य, जिसके अंदर भी काम कर रहे हैं, सब मांग कर उसको देगा, नहीं समझे, आचार है आप लोग, सास ससुर हस्बैंड देवर ननद भौजाई सब सुनेगा, बस आपका शादी होने दीजिए, नहीं सुनेगा घर से बाहर निकाल दीजिएगा, हमको अलग कर दीजिए, नहीं खाएंगे दो दिन नहीं खाएंगे, बस आचार गिरी हो गया सबके। आचार के बाद वो उपाध्याय, उपाध्याय किसको बोलते हैं, जैन धर्म के शिक्षक को उपाध्याय बोलते थे, जैन धर्म को जो पढ़ाता था क्या वो उपाध्याय कहलाता है। कोई दिक्कत, पांचवा था बहु साधु, सारे जैन भिक्षु को क्या बोलते थे, साधु, क्या बोलते थे, साधो मगर प्यार से, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर, मिटा दे ओला, इतना बात बोल दिए रे बाबू, नोट करते करते हालत खराब होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करके नोट करना। हा? हम तो बोले नोट कर लेते आप लोग, अब ये लिखा दे सब कुछ, ऐसे नहीं पढ़ाए थे। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, त्रिरत्न के मतलब समझते, वो अपना प्रवचन दिए तीन गो, क्या गो दिए, पहला बहु सम्यक ज्ञान बुक, दूसरा बहु सम्यक दर्शन, तीसरा बहु सम्यक आचरण, तीन गो अपना आचरण दिए, मतलब तीन गो थॉटली बुक लिखे अपना विचार के, ठीक है। अभी चलेगा आधा घंटा, ठीक है। भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मातों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसे बहु 11 अनुयायी थे, माने प्रचार प्रसार के लिए माता का ग्रुप जोड़ा, क्या बहु, जिनका अनुयायी कितना था, 11 गो, 11 55 55, प्रत्येक में कितना कितना था, 5 5 गो था, और 55 के अंदर भी 55 गो होगा, यह नहीं हम जानते हैं। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण से मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए, अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा गया, वो अनेश्वर
वाणी, अनेश्वर वाणी का मतलब होता है भगवान को नहीं मानने वाला, अनेश्वर वाणी, ऐसा उनका विद्या प्राप्त हो गया। इन्होंने पूर्ण जन्म को माना और पूर्ण जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। ओहो, मैंने ये मानता था पिछल का जिंदगी कि पिछले जन्म में क्या थे, ऐसे अपना स्वरूप किसे मानते थे, आत्मा को, किसे, आत्मा को मानते थे। मोक्ष प्राप्ति बाद पूर्ण जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, मैंने ये भी बोले अगर जब आपको मोक्ष प्राप्त होगा ना तो फिर मुक्ति मिल जाएगी, कोई दिक्कत। अब तुम लोग को पढ़ा दें कल जैन प्रमुख जैन मंदिर क्या पढ़ा देंगे, इसका दो तीन गो 30-40 गो ऑब्जेक्टिव भी है, वो करवा देते अभी ये, ठीक है। आप लोग बोलिएगा जी, आंसर बोलिएगा, खाली मंदिर कल करा देंगे, छोटा सा टॉपिक रहेगा मंदिर के बारे में, अब भंजक मूर्ति भंजक इसे सब पढ़ा देंगे हिस्ट्री वाला जोड़ के, ठीक है। महावीर का जन्म कब हुआ, 540 ईस्वी पूर्व। देखिए अभी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ऑनलाइनर रहेगा, सब आंसर बोलिएगा। कहां हुआ जी, कुंडल ग्राम वैशाली। जैन धर्म के सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था, बहु विभेद उत्पन्न के जमाली, कोई दिक्कत, जमाली कौन था, दमाद, पहला भिक्षु यह बना था। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया था उसका नाम क्या था, कल्पसूत्र, क्या नाम था, कल्पसूत्र, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैन माताओं ने किस आम बोलचाल की भाषा में अपनाया था, प्राकृति, प्राकृत होना चाहिए, क्या होता वो, प्राकृत, क्या बो, प्राकृत, आप प्राकृत कौन सी भाषा है बो, जो आप जन्म में बोले सीख गए, जैसे अंग्रेज जन्म वो देश, आई एम देश, दैट देश, नॉट देश, जो भी बोले लगा, देखा मेरा इंग्लिश, ठीक है। और हम लोग पहनना पिन्ना गिल्ला बेल्ला जो भी हम लोग जन्म में सीख गए उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। मथुरा और उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र था, जैन धर्म के, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि जैन ग्रंथ के महावीर महावीर के कठोर तपस्या एवं कालिक्स के रोचक विचरण मिलता है वो आचरांग सूत्र से, कहां से बहु, आचरांग सूत्र से बहु। जैन धर्म के द्वितीय संगीति का अध्ययन कौन था बहु, देवार्दी क्षमा सर्वन, देवार्दी क्षमा सर्वन। कि जैन संगति ने जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया किया गया था, जय प्रथम जैन संगति, कितने बहु, पारसनाथ जिस धर्म का प्रतिपादन किया कौन सा धर्म था, जिन कल्प, क्या बहु, जिन कल्प। जैन परिकीर्णों की संख्या कितनी थी, 10, अनुयायी की 11। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन था, व्यापारी वर्ग का था, कौन सा वर्ग का था, व्यापारी वर्ग का। ये सब सारे सारे क्वेश्चन है, कल मंदिर करा देंगे और ऑनलाइन क्वेश्चन करा देंगे, क्लियर जाएगा, ठीक है। बहुत देरी हम बोल भी लिया आज, जना नहीं रहा हो गया, ठीक दिख रहा, पहले सुन लेते हैं, ठीक है जयेंद्र, ठीक है। क्लास छूटा तुम लोग छूटा, हमारा गलती से नहीं छूटा, ठीक है। ठीक है, रिप्लाई दीजिएगा, बताइए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, 540 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम। जैन धर्म का सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था, जमालीन, पढ़ते था ना, आप लोग क्लास छूटा हुआ था, आज हम चालू करते क्या, बौद्ध धर्म। दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, सारे के सारे बोलिएगा, नहीं समझ में आ, हाँ समझ में आ रहा। हिस्ट्री का सबसे मेन पहलू बात होता है कि बातों को समझना, एक बात जैसे कि किसी कुछ मत बोलो, किसी कुछ मत बोलो, खाली पर्जा मार दो, देखो पड़ोसी तुमको कितना गाली देता है, वो बात को समझ जाता है कि तुम्ही को बोल रहा है, ठीक है। उसी बात से थोड़ा सा बात समझिएगा, जो भी हिस्ट्री का मेन, हिस्ट्री की नहीं होता कि हम 10 लाइन का क्वेश्चन रट लिए, 20 लाइन का क्वेश्चन रट लिए, कहानी समझ जाइए होता क्या था, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था, इसका स्टार्ट क्या किया, महात्मा बुद्ध ने किया। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आप लोग देखिएगा, अभी हम बोल रहे हैं सिर्फ सुनिए, और जब बोलेंगे नोट डाउन करने के लिए तो नोट डाउन कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन नोट लिखा देंगे तो लिखा लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी हो गया, बुक हो गया, सारे एक ही बार में क्लियर करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, कोई दिक्कत। इनका जन्म कब हुआ, 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था,
नेपाल में हुआ था वो लुबनी, लुबनी कपिलवस्तु में हुआ था वो। इसका पिता का नाम क्या था? वो सुरोधन था। क्या था? सुरोधन था कि सुरोधन था? सुरोधन था। शाक शाक गण के प्रधान था। प्रधान किसको बोलते थे? मुखिया को। शाक गण मैंने वो एक शाक वंश था, उसका प्रधान था। कोई दिक्कत था वो? इनकी माता कौन थी? वो महामाया। कोई दिक्कत? जो कौशली वंश की थी। क्या वो? कोलीय वंश लिखना चाहिए। कोलीय वंश। कौन सी वंश की? कोलीय वंश की थी। ठीक है। जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। इनकी मौसी गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। गौतमी इनकी मौसी माँ कहलाई थी। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर कौन आया? वो महात्मा बुद्ध आया। कौन आया? एक जगह देखिए हम लिखते हैं महात्मा बुद्ध। कोई दिक्कत? क्लियर। अब देखिए इनका देखिए पहला नंबर जन। जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? नेपाल के कहाँ हुआ? लुम्बिनी होता है, लुम्बिनी, लुम्बिनी में। कोई दिक्कत? अब देखिए महात्मा बुद्ध का, इनका 2 नाम है। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ डायग्राम खींचते हैं, इनका पिताजी का नाम क्या था? जल्दी बोलिए, हम लिख देते हैं। इनकी मम्मी का नाम क्या था? दिख रहा है इन कैमरा में? इनकी महा। अब ये दोनों के वंश था, क्या था? इनका वंश का क्या नाम था? शाक वंश के प्रधान था। क्या था? एक कौन वंश की थी? बोलिए। कोलीय वंश। यहां तक क्लियर? यहां तक सारे सारे पढ़ा दिए। देखिए डायग्राम बनाते जाएंगे, आप लोग को याद होते चल जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म के प्रारंभ के किया महात्मा बुद्ध ने। अब बताइए महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनका जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? इनका पिताजी का नाम क्या हुआ? किस वंश के था? प्रधान थे। महामाया कौन थी? फिर कोई दिक्कत? अब देखिए महामाया, एक देखिए इसमें नाम आ गया महामाया। महामाया कितने दिन महामाया लिखते? ठीक है, महामाया 7 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो गई। कितने दिन बाद? 7 दिन। कोई दिक्कत? कितने दिन के बाद मृत्यु हो गई? 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी एक बहन थी महामाया के, क्या थी? बहन थी। उनका बहन का नाम क्या था? गौतमी। इनकी एक नाम क्या था? गौतमी। तो इसकी बहन मैंने सिद्धार्थ क्या लगेगा? मौसी। मौसी गौतमी ने इनका लालन पालन किया। गौतमी इसकी सौतेली माँ भी थी। सौतेली माँ का मतलब समझ गए, उनके पिताजी से विवाह भी हुआ होगा, तो उनकी मौसी भी थी और इनकी सौतेली माँ भी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ था। इनका विवाह कब हुआ था? वो यशोधरा के साथ हुआ। ठीक है, अब आते हैं वो महात्मा बुद्ध। एम से अभी से महात्मा बुद्ध, इनका विवाह कब हुआ? 16 वर्ष। कब था? 16 वर्ष की उम्र में हुआ। कोई दिक्कत? 16 वर्ष की उम्र में हुआ। किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। वो ये वो गोपा बिंबा भक्त छानी ये एरिया के नाम था। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं था। नामक के अति सुंदर थी वो महिला। से देखिए बहुत, अगर हिस्ट्री में लिख दिया गया बहुत सुंदर था, हम तो देखे नहीं। जैसे नहीं बोलता है शाहजहां बहुत सुंदर थी, हम गूगल पे फोटो देखा कैसा लग रही थी, एकदम बकलोलिया नहीं। ठीक है, ओकरो लिए ताजमहल बना दिया होगा और हम रहते थे वो घर ढा देते ताजमहल बना रहता था। समझ में आया? वो सबके लिए भी तो हिस्ट्री इज अ फॉल्स बुक। समझ में आया?
तो इनका विवाह 16 उम्र के साथ उम्र में हो गया था। कब हुआ? 16 उम्र में हुआ था, इतना याद रहे। किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। वो अति सुंदर थी, प्रियदर्शनी बोल सकते उसको थी। सिद्धार्थ तो तथागत कनक मुनि शाक मुनि भी कहते थे। सिद्धार्थ को कनक मुनि शाक मुनि अर्थात ऋषि भी कह सकते थे, कोई दिक्कत। अब सुनिए, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। क्या वो? एशिया का ज्योतिपुंज। इनका एक पुत्र था, उनका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। कोई दिक्कत। एक दिन इन्होंने अपने राज में नगर भ्रमण के दौरान चार अवस्थाओं को देखा। मैंने इनको जो इनका पिताजी था, इनको घर से हस्तक्षेप मैंने बाहर मत देखी। ये इतना सीधा साधा थे ने महात्मा बुद्ध, इतना सीधा साधा थे ने। इसका मम्मी पापा जानते थे, मम्मी पापा सब जानते अपना बालोचा कारकन क्या है क्या नहीं है, इसीलिए इनका सारा परिवेश सारा जरूरत की चीजें महल में ही उपलब्ध करवा देते। लेकिन एक दिन एक अचानक से भ्रमण के लिए निकले अपना गाँव में और कुछ अवस्थाएं देखे। अवस्थाएं के मतलब बताते हैं क्या होगा। जैसे कि आप घर से आए, कोई रास्ता में लड़ रहा होगा, आप घर से आए सलोनी, इधर से रास्ता नदी जाता है, कोई डिडबोती जाता होगा, कोई भिखारी भी मिल गया होगा, तो वो सब सारे सारे अवस्थाएं हैं। कोई लड़ रहा होगा, कोई भाग रहा होगा, ये सब सारे सारे उसकी अवस्थाएं हैं। तो अवस्थाएं के मतलब जिस रूप में आप किसी ना किसी को देखे होंगे वो उसकी अवस्थाएं हैं। आप विवेचना कर सकते हैं, उसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं कि हम इसकी अवस्थाएं हैं। तो महात्मा बुद्ध भी एक दिन अपना गांव को या नगर का भ्रमण करने निकले, नगर भ्रमण करने के उनकी कुछ अवस्थाएं देखा। पहला अवस्था देखिए क्या था। गरीब बीमार व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति सौ तथा एक सन्यासी को देखा। क्या देखा? वो गरीब को देखा, बीमारी व्यक्ति को देखा और सन्यासी को देखा, वृद्ध व्यक्ति मतलब एजेड व्यक्ति को देखा था। जिसके कारण इनके मन में वैराग, वैराग मैंने समझते हैं गृह त्याग। वैराग का अर्थ क्या होता है? गृह त्याग, जो घर से सन्यादम घर छोड़ के निकल दे, गृह त्याग का प्रेरणा जगह। क्या जगह? जैसे ये कहावत है, राजा को भी सुई की आवश्यकता पड़ती है, तो राजा को सुई की आवश्यकता पड़ेगा, कहावत है ना। ठीक उसी पर से प्रभावित हुए, उनसे जरूरत नहीं था, उनसे प्रभावित हुए। आपको क्या जरूरत है पढ़ने का? अच्छा बताइए, पढ़ लिख के आप क्या कीजिएगा? लाइफ में कुछ बनिएगा, लाइफ में बने कुछ क्या कीजिएगा? बोलते जाइए, जॉब लीजिएगा, शादी भी आओगा, पैसा कमाइएगा, शोहरत होगा, समाज में नाम होगा, बाल बच्चा फिर बड़ा होगा, उन लोग का उसी लाइफ होगा, फिर आप रेस्ट कीजिएगा। इससे बढ़िया अभी आप रेस्ट कीजिए। क्या समझा? गया सर, घूर फिर के तेजी आना है, रेस्ट करना है जी, समझा गया। तो हम लोग महात्मा बुद्ध देखते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतना हम लोग अभी पढ़ रहे थे महात्मा बुद्ध, कोई दिक्कत? क्लियर? इतना मिटा आते डायग्राम को, कोई दिक्कत दिख रहा है ना कैमरा में? हाथ से बहुत पेन है गुनगुन। हम देखो अपना रूटीन विश्वास करेगी, हमारा रूटीन सुनेगी, आप लोग हिल जाइएगा। 3 बजे उठते हैं एकदम फ्रेश फ्रेश, यहाँ से कोई दिक्कत। 3 बजे जाके मुँह कान धो लेते, 5:30 बजे तक एकदम पढ़ते, एकदम कोई उसमें डिस्टर्ब नहीं। 5:30 बजे तक ले पढ़ते हैं, और 5:30 बजे से क्लास 5:30 बजे तक ले, ऑफिस आवर में हम पढ़ भी लेते हैं, ठीक है, पढ़ ली उतना में, जैसे स्कूल आप लोग पढ़ा रहे हैं हम उतना पढ़ भी लेते हैं। 5:30 बजे छुट्टी देते हैं, चल जाते हैं खेलने के लिए वॉलीबॉल, अभी भी खेल के आते हैं पूरा एकदम फ्री माइंड, बैठते हैं 7 बजे 11 तक फिट टालते हैं, 11 बजे हमको खाना भी खा लेना, मोबाइल चला सुध भी जाना, समझ गए? तो आप फिर एनर्जी हमें कभी देखे, ठीक है। आप सुनिएगा बहू, इनका पुत्र था एक राहुल था, कौन था बहू? सिद्धार्थ को तथागत का कनक मुनि शाक मुनि भी कहते थे। आप तुमसे पूछते हैं, वो सिद्धार्थ को अन्य नाम से पुकारा जाता था, कोई दिक्कत? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता था? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम क्या था? सिद्धार्थ। अभी हम लोग पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध, देखिए हम जो पूछेंगे सो महात्मा, ठीक है। देखिए इनका पहले देखिए, देखिए पहला हम लिख देते हैं जन्म, बोलिए
पिता क्या सुदर्शन ना। देखिएगा मेरा हिंदी बहुत स्ट्रांग है। इनका माता बोलिए सात दिन के बाद ये मर गए। इसका लालन पालन क्या किया मौसी लेते हैं। कोई दिक्कत। इसके बाद बहू कितने वर्ष की उम्र इनका शादी हुआ शादी 16 वर्ष किस से हुआ यशोधरा। देख लीजिए यशोधरा तो हम यशोदा सुन लिए इसलिए गलत नहीं लिख दिया यशोधरा। इतना सब बात याद हो गया। अब देखिए महात्मा बुद्ध के नाम भी सुनिए एक अलग डायग्राम आता है। इनका 16 उम्र शादी हो गया था। इनका पुत्र एक था राहुल। अब आते हैं प्रश्नल। इनका एक पुत्र था क्या था नाम क्या था राहुल। ठीक है सिद्धार्थ को क्या क्या नाम दिया जाता है जैसे सिद्धार्थ है इनका नाम क्या था बचपन का नाम सिद्धार्थ नाम था जी हमको याद है। सिद्धार्थ को अब क्या क्या नाम दिया जाता था इसका नाम क्या क्या कहा था तथागत। देखिएगा क्या दिख रहा है ना तथागत एक हुआ दूसरा नाम क्या था कनक मुनि तीसरा क्या था शाक्य मुनि चौथा क्या था एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था ऋषि कहा जाता था वो हम औपचारिक भाषा बोल दिए। ठीक है याद तो समझा गया आप। अब सुनिए वो एक दिन अपन नगर भ्रमण के लिए निकले क्या निकले सिद्धार्थ निकले थे भ्रमण के लिए क्या निकले भ्रमण लिखते हैं नगर। नगर भ्रमण की इनको आवश्यकता नहीं थी। हम जानते थे कि जैसे कि रोक टोक जैसे हम आप लोग को बोलते हैं कि वहां मत जाओ यहाँ मत जाओ ये मत करो वो मत करो। इनके पिता तो जानते थे कि ये बहुत नरम दिल के कोमल दिल के लड़का ऐसे भी कोमल दिल के होता है इनके भावुक हो जाएंगे। इनके पिताजी को पहले डाउट था जैसे आपके पिताजी को आपके बारे में जानकारी पता होता होगा जैसे कि आप गांव में कहाँ घूम रहे हैं नहीं घूम रहे हैं सारे सारे गार्जियन को पता होता है। लेकिन कुछ कारणवश आपको मना नहीं कर पाते हैं गार्जियन क्या पता आज के बच्चा क्या बोल दे क्या नहीं बोल दे। हम तो एक बात बोले एकदम हकीकत बोलते हैं पेरेंट्स की तरह सोच के बोलते हैं आप जिंदगी में कुछ बनिए या नहीं बनिए क्या जिंदगी में आप कुछ बनिए चाहे नहीं बनिए बाप माँ का सहारा जरूर बनिए। ये तो हम तय करके बोल दिए क्योंकि अभी के डेट में बाप माँ को वहां ले जाकर ढकेल देता है। आज के डेट में जनरेशन सोच भी आप लोग नहीं सकते हैं हाँ ले जाकर छोड़ देता अब बाप माँ भी उसे जलमता छोड़ जाना था समय तो कैसे लगता फिर आप फिर एकदम बदला लेते दम बड़ा ये सब गलत बात है। बाप माँ कितना प्यार से आपको पालता है जलमते हैं उसी टाइम पूरा हॉस्पिटल में मिठाई बांट देता घर आते हैं 19 दिन के बाद छठियारी करता पूरा गाँव में खिला देता खाना। सोचिए आपका आने पर बाप माँ इतना खुश था और आप आकर बड़ा हुए बाप मैं किन्ने भेज दिए ये सब आई डोंट लाइक दिस। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। अब नगर भ्रमण के लिए निकला कितने अवस्थाएं को देखा वो देखिए अवस्था अवस्थाएं पहला देखा वो गरीब के दूसरा बीमार व्यक्ति तीसरा चौथा सौ पांचवा बोलिए सन्यासी। देखिए
हम आप लोग को बोलते हैं प्रेरणा की बातें, आज हम आप लोग मोटिवेशनल बात बोल देते हैं, तुरंत घर जाकर आधा घंटा ज्यादा पढ़ते हैं, तीन दिन चलता है, एक दिन डांट देते चाहे पेट देते हैं तो दो दिन चलता है, चलता है ना। तो ये जब भ्रमण के लिए निकले तो कितनी अवस्थाएं के लोगों को देखा था, गरीब है कोई, कोई बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, सौ या सन्यासी, ये से इतना सा, सौ के मतलब डेड बॉडी, ठीक है, सन्यासी मतलब समझिएगा आप लोग, वृद्ध व्यक्ति मैंने एजेड व्यक्ति, बीमार व्यक्ति मतलब जानवे करते हैं, गरीब को मतलब तो खैर हमको देख लीजिए, गरीब देखना है तो समझ में आ गया, गरीब को देखना फिर हमको देखिए, ठीक है, गरीब व्यक्ति को देखा होगा कोई दिक्कत, अब सुनिएगा, देखा जिसके कारण से उनके मन में बैराग माने गृह त्याग, क्या बो, गृह त्याग के जिसके मन में बो सन्यासी, क्या बो, इतना को छोड़कर भावुक किससे हो गए, सन्यासी, गृह त्याग को बैरागी बोलते हैं, वो इसका इच्छा उत्पन्न हो गई, ये 29 वर्ष के आयु में अपना गृह त्याग दिए, माने वो ये जो थे कितना वर्ष में वो 29 वर्ष में वो गृह त्याग दिए, इसको बोलते हैं वो वैराग्य जीवन, क्या वो वैराग्य जीवन, इन्होंने अलार कलाम, अलार कलाम से सांख्यक दर्शन जिसको बोलते हैं वैशाली में तथा रुद्र कलाम राजगिरी, राजगिरी में से दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, महात्मा बुद्ध ने अपने पांच मित्रों के साथ सारनाथ में मृग दावन के तपस्या करने लगे, मृग दाव के मतलब होता है वो अपना खान पियन के साथ माने खाएं, भूख लगता है 10 घंटा तो 10 घंटा तपस्या में लीन है, ठीक है, ई ना कि पहले फिल्म मतलब लगल है ओम नमः शिवाय कर लगातार 4-5 साल ऐसा नहीं था, मतलब तप के मतलब होता है हम खाना पीना खाएं स्वस्थ रूप से बैठे 24 घंटा में 26 घंटा दे रहे हैं आप ही को, समझ में आया, वैसा तप में लगे इनका मित्र कितने थे 5 थे, कोई दिक्कत। वहां एक कन्या ने इसे कहा कि बीना को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बज ना सके, इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने सारनाथ से गया चले गए और तपस्या करने लगे, मैंने वहां एक लड़की आई और क्या कहा, बीना को इतना जोर से भी ना खींचो कि टूट जाए और इतना धीमे से भी ना खींचो कि बज भी ना करे, समझ गया महात्मा बुद्ध, जे हम छोड़ के घर आए वो यहाँ परेशानी आ गई है, तो वहां से तुरंत खाली कर दिया, फिर कहां चल गए, गया सारनाथ से गया चल गया, सारनाथ से गया गया सारनाथ से गया चल गया, तपस्या करने लगे, यहां इन्हें निर्जना जिसको बोलते हैं फाल्गु, क्या बो, फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन की प्राप्ति हुई, फाल्गु नदी के तट पे पीपल के पेड़ के नीचे क्या प्राप्त हुआ, विद्या प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत बो, अब सुनिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया, मने वो बोध गया में भी पीपल के वृक्ष है, वो वृक्ष महाबोधि वृक्ष भी कहलाता है, ज्ञान प्राप्ति पीपल के फाल्गु नदी के तट पे हुआ था, कोई दिक्कत यहां तक लिख लिया, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा गया, देखिए अब इन्हें वो विद्या कहाँ प्राप्त हुआ, वो गया बोल सकते हैं, कौन सा पेड़ बहु, कोई दिक्कत, पहले कहां था बहु, सारनाथ, किसके बातों सुनकर भाग गए थे, एक लड़की के बातों सुनकर भाग गए, लड़की क्या बोली, टूट जाए, वेरी गुड, ठीक है, महात्मा बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान संपन्न, देखिए वो महात्मा को उपाधि कब प्राप्त हुआ, जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो, अब महात्मा के उपाधि महात्मा बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान संपन्न, महात्मा बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, पहला उपदेश कहाँ दिया था, सफा सफे बोलो जहां इसको लड़की छेड़ी थी, समझाया, सारनाथ में अपने मित्रों को दिया, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी सरस्वती में, सरस्वती लिखना चाहिए, सरस्वती में दिया था, अपना सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था, सरस्वती में, लेकिन पहला उपदेश किन्हें दिया, अपने मित्र को, कहाँ, सारनाथ में, सोचिए वहां से सिर्फ ये गए थे महात्मा बुद्ध, वो सब पढ़ गया होगा झोटक चक्कर में, समझ में आया, तो पहला उपदेश जरूर जाग दिया होगा, देखनी पढ़नी तो गनी न, हम उन्हें गए अकेले, मिल गया हमको विद्या, ये वास्तविकता है,
जो एक रास्ता में भाग रहे हैं एक ही रास्ता में भागिए, समझा गया? अब सुनिए बहु, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी सरस्वती में दिया जो कि पाली भाषा में निहित है। इन्होंने सरस्वती में अंगुली नामक डाकू को शिक्षा दिया, अंगुली नामक को शिक्षा, अंगुली नाम डाकू पढ़े आप लोग कहानी, हम लोग पढ़े हैं अंगुली माल डाकू। उसका देखिए एक जंगल था, जंगल में जो भी जाता था उसको उंगली उसको मारकर उंगली काटकर माला पहन लेता था। महात्मा बुद्ध भी जा रहे थे तो सब गांव वाला बोला वहां मत जाइए, वहां एक बहुत भयानक राक्षस है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब बोला मार देगा मार देगा, किसी को बातों को संयम से नहीं। हकीकत देखिए, जो व्यक्ति नहीं लड़ता है और मर जाता है, मान लो कि जिंदगी में बार बार मर रहा है, और जो व्यक्ति लड़के मरता सूप एक बार मरता है, ठीक है। कोई बोलता है भैया मैंने करेंगे उन्हें करेंगे करेंगे, अरे नहीं भैया आप कर नहीं रहे हैं तो रोज हार रहे हैं, करके हार रहे हैं तो सिर्फ एक दिन हार रहे हैं। महात्मा बुद्ध गए और बोला मार के उंगली काटने था कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही उपदेश दिए थे क्या, जाओ तुम एक टहनी को काटो फिर तुम हमको काट देना। काट के लाया, बोला भाई इतना ईमानदार आदमी कौन मिलेगा बिना परेशानी के हमको बोल रहा है ये कंडीशन। काट के लाया, बोला अब तो ठीक है। तो बोला तुम अगर इसे जोड़ सकते हो तो मुझे काट सकते हो, और नहीं जोड़ सकते हो तो नहीं काट सकते हो। वहां से वो फेक्टेशन हो गया, वो उस प्रभाव हुआ उसका बात को उंगली माल डाकू, तब से वो भी चेला चपाटी बन गया था किसका, महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे, इनका दो गो स्टूडेंट था महात्मा बुद्ध के, कौन कौन थे वो, आनंद और दूसरा उपाली। इनका क्या था, शिष्य था क्या मने स्टूडेंट, कोई दिक्कत। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी और उन्हें कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में इंक्लूड मतलब शामिल होने के लिए महिलाओं की अनुमति दे दी, और देकर क्या कहे कि ज्यादा दिन तक ले ये धर्म नहीं चलेगा। इसे क्या सीख मिला, जिसमें हस्तक्षेप कर दी महिला वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सही में ज्यादा दिन नहीं चला है, ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला गौतमी और दूसरी महिला अम्रपाली थी, माने बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहली महिला कौन थी, गौतमी, और दूसरा अम्रपाली, ठीक है, गौतमी और अम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपयू था अथवा दूसरा बहु मल्ली। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। क्या बोला वो, मेरे उपदेशों को मत मानो, ऐसे क्या कैसे अपनाओ, तर्क के अनुसार से। तर्क के मतलब बोल दिए कि हम जो है सबसे बेस्ट हैं, तो आपके मन में कोई तो क्वेश्चन हुआ होगा, जैसे बोल दिए कि वो लड़का जो आ रहा है भगवान है, सॉरी वो लड़का सबसे भगवान, लड़का भगवान ही होता है उसका रूप होता है, मान लीजिए बोल दिए लड़की जो है देवी के रूप है, कैसे है भैया वो तो एक लड़की इनसे लग रही है, और जैसे तर्क हुआ ही जो डिस्कस किए, तर्क नहीं मान रही है लेकिन बात विचार करके लड़ झगड़ फिर मानी, वो तर्क माने महात्मा बुद्ध ही के जो भी हम उपदेश दिए उनको अंधविश्वास की तरह मत मानो, तर्क करिए समझ में आए मतलब इस्तेमाल कीजिए, विश्वास कीजिए फिर लीजिए, समझ में आया। इस्तेमाल का जब भी वर्ड आता है लड़का आ जाता है हमको, इस्तेमाल होने के लिए बना है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आप सुनिए, महात्मा बुद्ध के चार सत्य वचन था, कितने वचन थे, चार सत्य वचन, महात्मा बुद्ध के पहला कौन था, संसार दुखों से भरा है, क्या है, संसार दुखों से भरा है, दूसरा क्या था, सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है, माने दुखों का सभी का दुखों का कारण
है डायरेक्टली देते हैं। तीसरा क्या था, दुख का सबसे बड़ा कारण है इच्छा, क्या है दुख का सबसे बड़ा कारण अच्छा। चौथा क्या था, इच्छा पर क्या होना चाहिए नियंत्रण पाया जा सकता है। देखिए हम बताते हैं, पहला क्या था, महात्मा बुद्ध चार गो सत्य वचन दिए थे। पहला, संसार दुखों से भरा है, क्या है संसार दुखों से भरा। देखो बाबू हम बताते हैं, दुख तो ऑटोमेटिक आता है, ये काल्पनिक है, दुख आप खोज खोज के लेते हैं, उसी कदम लीजिए वो फ्री फोकट में आता है। दूसरा क्या है, सभी दुखों का कारण है, कोई ना कोई कारण है। अगर गुनगुन खुश है तो रिया को तकलीफ होगा, तो तकलीफ अगर रिया खुश है तो आपको तकलीफ होगा, समझना है। अब देखिए वो दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा। इच्छा कैसे है बताए, नहीं पता आप लोग को, हम देखिए बताते हैं। आप हमें 100% इज्जत दे रहे हैं, हम आपको 1% नहीं दे रहे हैं। आपको तकलीफ लगेगा, क्यों तकलीफ लग रहा है, आपको देना था आप हमको दे दिए, हम नहीं दे रहे, आपको तकलीफ काहे लग रहा है। आपको भी अपेक्षा थी, इच्छा थी कि हम भी आपसे इज्जत से बात करें। ठीक उसी प्रकार से ब्रेकअप होता है किसी को, तो कोई दारू गांजा सिगरेट पीता है, उसका इच्छा था कि आपसे विवाह करे, शादी ब्याह करे, या कुछ और इच्छा होगा। तकलीफ, उम्मीदें टूटती है तब वो तकलीफ होता है, उस इच्छा उस पर कंट्रोल पाइए। हम बताते हैं वैसा इज्जत देने में शरमाइए मत, जो आपको अगला दे रहा है वैसा इज्जत दीजिए। पापा मिक्स साइड करके पापा का वैसा इज्जत दूल्हा पर मारे गए, ठीक है। हम बार बार बता रहे हैं, जैसे कि कोई बड़े लोग हैं, नहीं उनको नहीं बोलेंगे हैसियत से बाहर है, कहीं नहीं बोलेंगे जी। अगर वो आपको खराब रिस्पेक्ट दे रहा है, अभी खराब रिस्पेक्ट दीजिए, समझ आया। फिर शरमाइए मत, जैसा इज्जत दे रहा है वैसा इज्जत दीजिए, टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट, समझ में आया। उपेक्षा मत रखिए, किसी से आपको पेन होता है। देखते हैं जैसे कि आप हमको कुछ दिए, हम आपको दे भी नहीं, आप हम पर विश्वास किए, हम आप पर नहीं कर रहे, आपका इच्छा था ना कि हम भी आप पे करें, यही तकलीफ देता है, यहाँ नहीं होना चाहिए आपको। आपका मन क्या भरोसा किए, हमसे पूछ के किए भरोसा नहीं ने, तो यही इच्छा के अनुसार से तकलीफ अभी कौन देता है, इच्छा देता है। जैसे कि हमारा मन किया वो लड़की बहुत अच्छी है, आई लाइक यू, हो सकता है उसका मन था, वो हमको बोल दी डायरेक्टली नो, या एक नफर मार दी बाई चांस, तो हमको तकलीफ क्यों हुआ, इच्छा था कि वो भी हाँ बोले। ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे भी हम नहीं बोल सकते वो अच्छी थी, हटा दो छी ये बचती है, ठीक है। चार गो वचन समझ में आ गया। अब आया तुम लोग बोले तप, मेडिटेशन का नाम सुनिए है, मेडिटेशन जो सुबह सुबह बैठ के करता है, ओम नमः शिवाय, आंख मुन कर ध्यान, अंतर ध्यान लगाइए। हम तो कहते हैं 5-10 मिनट करना चाहिए, 5-10 मिनट एवरीडे आंख मुन कर किसी भगवान को या अपने जनरेशन को, किसी व्यक्ति को, कुछ महान हस्ती को, जैसे भगत सिंह हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, किसी को याद करना चाहिए। अब मत याद आए कोई दिक्कत नहीं, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे, समझा गया। अब सुनिएगा, महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाए। अष्टांगिक मार्ग किसको बोलता है, वो मध्य मार्ग, बीच का रास्ता दिया, जो कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके, और इच्छा इतनी छोटी भी नहीं होना चाहिए कि पूरा होने का संतुष्ट ना हो। मने बाबू आप सोच लिए यूपीएससी बनेंगे, यूपीएससी क्रैक करेंगे एग्जाम, आप पढ़ रहे हैं ये नहीं है, आप पढ़ बहुत रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हवलदार बनेंगे, तो इसीलिए बोला इच्छाएं इतनी बड़ी भी नहीं करना चाहिए जो हो नहीं पाए, और जो हो सकता है उससे ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, छोटा इतना भी नहीं कर लो, समझाया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पूर्ण जन्म का कारण बनेगी। ऐसा हम नहीं मानते, पूर्ण जन्म का कारण बनेगी, ऐसा महात्मा बुद्ध कहे। अगर कोई आपकी अधूरी इच्छा रह जाती है तो आपको पूर्ण जन्म का कारण बनेगी। अच्छा बताइए, कभी देखिए पूर्ण जन्म नाग ले रहा, पूर्ण जन्म आदमी ले रहा, भूत उतु भी देखते हैं ना, तो चुड़ैल बन के आती है लड़की, है नागिन भी बन के देखती आती है लड़की, है लड़का बहुत सियाना होता है, पूर्ण जन्म काहे लेगा, तुम चल गए तो हम दूसरा खोज लेंगे, समझना है। लड़की बोला बन जाती है, जापरी लड़की को बुड़वक बनाना धरती पर का सबसे आसान काम है, समझा या लड़की खाली बोल दो ना पलकों पे बैठा के रखेंगे तुमको, समझ में आया। लड़की फूल के बारा चांद के शहर में ले चलेगा, चांद तारों के शहर में बिना ऑक्सीजन के मार देगा तुमको, समझा। ये सब लड़की लोग को एक मैंने टेक्निक है बुड़वक बनाने के लिए, अगर आग 2 दिन बाद लबा दिया तो गुड़बुड़ाक तो नीचे चलाएगी, कहे पलकों पर तू बैठल थी, समझा। ये मिटा दे, क्लियर समझा गई।
सही बात। अच्छा बताइए, आप ही लोग बताए, आप लोग गर्ल्स है ना, अगर दो तीन बार मटका दे अपना पलकता तो वो उड़ा जाएगी। हमारा क्लास एक दिन हम खुद देख रहे थे, ठीक है, हम बोले क्या क्या क्लास में बोल देते हैं, हम कैमरा भूल जाते हैं बीच में कभी कभी, इसे होता है ना कि बोलता है तुझे आंखों के पलकों बैठा के कहने के ना बैठा का पता नहीं। चलिए देखिए, सील की संख्या कितनी होती थी, 10 होती थी, क्या होती थी 10। सील का मतलब होता है कि कुछ अहिंसा बातें, कि उसको कोई संख्या होता, देखिए अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, अपगृह माने किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद सेवन ना करना माने नशा वाइन नहीं करना, असमय भोजन ना करना माने समय पर करना, खुद पलंग बिस्तर पर नहीं सोना माने पलंग बिस्तर पे नहीं सोना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना हो गया, धन का संचय ना करना माने पैसा जमा नहीं करना है, नौमा स्त्री से दूर रहना है, निर्दय गान से दूर रहना है, माने ऐसी की संख्या कितनी थी 10 थी। चोरी नहीं करना है, असत नहीं बोलना है, ठीक है, माने झूठ नहीं बोलना है, शराब नहीं पीना है, अच्छा बिस्तर पे नहीं सोना है, लड़का लड़की लड़की दूरी बना कर रखना है, पैसा जमा नहीं करना है, किसी को बेइज्जती नहीं करना है, अपने आप को स्वयं रूप से अकेला रखना है। ये नीचे चाट लगाकर वो आसान हुआ, एगो आसन हुआ, एगो वो जो आप लोग घर पे होते हैं 16 बाद दिन, आप लोग जानते हैं नींद, आप लोग को तकलीफ ज्यादा क्या होता है पढ़ने में, ऐसो आराम, जिसको ये मिल रहा है व्यक्ति नहीं पढ़ पाता। आप लोग के बिस्तर देख, अच्छा जानते हैं एक महीना हो जाता है अभी तक हमारा बेड ठीक नहीं होता, जैसे बिगाड़ दिया, हम गए 2.5 घंटा ले जाते उसको की ठीक करे, हमारा बेड अक्सर मम्मी ठीक करते, बाकी किसी को पावर नहीं है हमारा बिस्तर छू दे, क्या अगले वहीं पर पेन कॉपी कैसे कैसे करते, मम्मी पावर होती है, सब कॉपी कलम उठा पुठा टेबल पे, फिर बिस्तर ठीक की, फिर सब टेबल से बिस्तर पे, बाकी कोई छुएगा नहीं, चाहे एक पेज कहीं गिर रहे कोई नहीं छुएगा, हमारे रूम में कोई जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, रोज बिस्तर ठीक करते हैं, बेड लगा रहे हैं 10 मिनट, बेड मोड़ रहे हैं 10 मिनट, बेड पे सो रहे, यही सब आप लोग की गलत फैमिली है, ठीक है, इस सब पर मत जाइए, टाइम का देते हैं, 2.5 घंटा सोना है, ये बेड क्या ठीक करना है, जाकर बिगा जाएंगे, नींद का मतलब क्या आ गया, नींद बिगा जाएंगे, और आप लोग घड़ी 9 बजे सोना था, 10 बजे खाना है, 2 बजे पढ़े जाना है, टाइम ले रहा नहीं। आप सुनिए, वो मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महावीर महाविहार बनवाया, बुद्ध के निवास के लिए कोटा ग्रासाला का निर्माण करवाया था, गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, किसके का शासनकाल में, उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, बिंबिसार उनके लिए कुटिया बनाया था, आ कुटिया कैसा था, सौखो आराम वाली, समझ में आया। आप सुनिए, बहु बुद्ध के अनुयायी के 2 भाग विभाजित हो गए, बुद्ध का जो फर्स्ट अनुयायी, अनुयायी किसको बोलते हैं, सपोर्टर, 2 भाग हो गया, महात्मा बुद्ध के, वो क्या, वो महात्मा बुद्ध के अनुयायी को कितने भाग हो गया, 2 भाग हो गया, पहला भिक्षुक, दूसरा जल्दी बोलिए उपासक, सुनिए, वो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण वालों को भिक्षुक बोलते थे, बौद्ध धर्म वाले जब थे संन्यास होते थे उसे क्या कहते हैं, सन्यासी को भिक्षुक कहते थे, उपासक बहु गृह जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को उपासक कहते थे, मैंने घर घर मैंने खाना बगल में रख ले खाना नहीं खाएंगे, पत्नी बगल में हुआ हम पारिवारिक जीवन नहीं जिएंगे, मैंने सब कुछ बगल में है हम यूज नहीं करेंगे, ये इसको बोलते उपासक, नहीं बोलते उपवास रख लिया तुम लोग तो घर में खाना नहीं रहता, लेकिन उपासक है। आज साधु मैंने वो भिक्षु किसे बोलते हैं, वो सब जानते हैं, भिक्षा मांगने के लिए जो बहु घर भी त्याग दिया और वो बौद्ध धर्म अपना लिया उसे क्या बोलेंगे, भिक्षुक बोलते थे, क्या बोलते थे, भिक्षुक, ये समझ में आ गया, वो उपासक और भिक्षुक के मतलब समझ में आ गया, क्लियर। आ जाइए, महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए, क्या दिए, ये 3 दर्शन कल बढ़ा देंगे, या अब ये पढ़ा खत्म कर दे, चलिए ठीक बोले। पहला कौन था, अनेश्वरवाद, महात्मा बुद्ध ने क्या दिए,
ये दर्शन है। नंबर एक में क्या बोले थे? नंबर दो शून्यवाद। नंबर तीन शनिवाद। शनिवाक होना चाहिए, शनिवाद। कोई दिक्कत दिख रहा है? सही तुम लोग ऐसे कैमरा के देखते, हम डाउट में आ जाते हैं। दिख रहा है कि दिख रहा है ना? देखिए वो अनेश्वर वाद, अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। तीन दर्शन क्या दिया? वो ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तविकता हम मानते हैं ईश्वर है तो है, नहीं है तो नहीं है। रैदास क्या बोले? मन में मन चंगा तो कठोत में गंगा। स्थिति तो आप माने तो है, नहीं माने तो नहीं। क्लियर? माँ तो वो बहुत चलाक थे, बोला अस्तित्व तो नहीं है लेकिन खुद भगवान बनना चाहा, बन गया। समझ गया? दूसरा बहु शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है ना ही सर्वशक्तिमान है। मैंने बोला सर्वोपरि भी नहीं है और सर्वशक्तिमान भी नहीं है, किसी ना किसी का अंत है। अगर सर्वोपरि या शक्तिमान होते तो आपका अंत नहीं होता। कैसे होता जी? सर्वशक्तिमान यमराज से भी ज्यादा शक्तिशाली, सर्वोपरि मैंने विश्व सुंदर से ज्यादा सुंदर है नहीं ना? सब दिन की रह सकता है बहु? आज की न्यूज़पेपर कल की रद्दी है, आज की चमकती चेहरा देख लीजिए 80 साल की बुढ़िया के, उसमें आप भी एक दिन होइएगा। समझ में आया? ये सब हकीकत है, हकीकत से मुंह मत मोड़िए। ये तीन दर्शन दिए, शून्यवादी के मत समझा वो, क्षणिकवाद बहु, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए, इसका निवारण निश्चित, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख सिद्धांतों का त्रिरत्न कहते हैं। तीन सिद्धांत क्या बोलते हैं? त्रिरत्न बोलते हैं। अब क्षणिकवाद का मतलब है कोई भी वस्तु आपके पास सब दिन की लिए नहीं है। मोबाइल लिए दो महीने बाद अपडेट मांगता है, एक साल के बाद अपडेट देना बंद कर देता है, तीन साल के बाद मोबाइल खराब हो जाता है। ये तो चौथा बात वो, आप लोग खुद आई नाम जाकर देखिए बचपन में कैसा लगते थे, बचपन वाला फोटो देखिए, आवे लसन में 60 साल और जोड़ लीजिए कैसा लगिएगा, सो देखिए लेटाल पेटाल बुढ़िया ऐसा लगिएगा। इमेजिंग कीजिए, आप कुछ खाने के लिए लाइए, कुछ वस्तु को रखिए सब दिन के लिए आपके पास है। अगर वस्तु रह जाता है लेकिन आप उसके पास सब दिन नहीं रहिएगा तो इच्छनिक बात कहला है। कोई दिक्कत? बौद्ध धर्म बहुत तीन को क्या मानते थे? वो त्रिरत्न मानते थे। कोई दिक्कत? वो जैसे वो बुद्ध संघ धम्म, कोई दिक्कत? महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया था। महात्मा बुद्ध की शिक्षा सबसे पहले कहाँ गई? वो त्रिपिटक में किया गया था। बौद्ध धर्म के देखते पिछला क्लास होता है समझ रहे पिटक का अर्थ, ठीक है? त्रिपिटक का होता वो ज्ञान से भरा टोकरी होता है। क्या होता है? मान लीजिए ज्ञान से भरा टोकरी। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? ज्ञान से भरा टोकरी होता है। बौद्ध धर्म के वो त्रिपिटक सुनिएगा, वो बेनामिक पिटक, सूत पिटक, अभी धम्मक पिटक, अभी धम्म पिटक। त्रिपिटक का क्या होता है? ज्ञान से भरा टोकरी होता है वो। त्रिपिटक श्रीलंका में हिंसली भाषा में लिखा गया था। कहाँ था लिखा गया था? श्रीलंका में। कौन सी भाषा में? वो हिंसली, हिंसली भाषा में लिखा गया। त्रिपिटक का क्या होता है? ज्ञान से भरा टोकरी। कोई दिक्कत? कहाँ लिखा गया था? श्रीलंका में। कौन सी भाषा में? हिंसली भाषा में लिखा। बौद्ध धर्म प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जैसे बौद्ध धर्म में एडमिशन मैंने बनने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए एज कितना न्यूनतम बताया था? कम से कम 15 वर्ष। कितना वर्ष? 15 वर्ष होनी चाहिए थी। बुद्ध अपने जीवन काल में संत का प्रमुख या प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। वो प्रमुख देवदत्त को बनाए थे। वो संघ मैंने यूनियन का मालिक किसे बनाना चाहता था? देवदत्त को। मुखिया किसको बनाना चाहता था? बौद्ध धर्म का देवदत्त को। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें शुक्र मास, जिसको बोलते हैं वो सुअर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया। क्या खिला दिया? कहां खिला दिया? पावापुरी में। वो दिक्कत? सुअर का मांस। क्या बो? क्या खिला दिया? शुक्र मास, इसको भी बोलते हैं सुअर का मांस भी बोलते हैं, सुअर का मांस या जहरीली मांस, या वो जहरीली मांस में तो उसको कुछ मिला दिया होगा, ठीक है, विष वगैरह कुछ भी, ठीक है।
महात्मा बुद्ध की तबियत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। क्या हो गया बहु? यूपी के मल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए वो हम बताते हैं उसमें बोला जहरीले नहीं खिलाया गया होगा, वो मांस जो होगा बहुत दिन के होगा, उसमें बैक्टीरिया से हो जाता है, डायरिया हो जाता है। जैसे कि आप जैसे कभी कभी होता है ना कि होटल वगैरह में चिल्ली पराठा खा खाते हैं तो आपका तबियत खराब हो जाता है। ये नहीं कि चिल्ली पराठा सो गया, हुआ तो उसी से, लेकिन उसके कारण नहीं हुआ जो कारण आप सोच रहे हैं। होटल के खाना खाने से पहले आपको एक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा बताइए, समझ होना चाहिए, आप में कितना समझ है खाना का? चिल्ली पराठा कई दिन खाए बाबू? एक दिन हम होटल गए, नाम था गणपति, दिया ढोसा, ठीक है, बड़का उन्हें बनता है मसाला डोसा और सावर। हमको कद्दू से शक नफरत है, सोचो हमको सांबर दे दिया होगा खाने के लिए, सांबर होता है जे भी होता है, सांबर दावर जे भी होता है दे दिया। खाएन बाबू, हम चारों दरे देख रहे हैं, सब मजा से खा रहा है, अब बताओ हम पर कैसा बीत रहा होगा। सोचो दम बुड़बक बन गए, फिर हम अंतिम में मसाला डोसा इसी खा गए। अरे चारला भाई मांग के होटल में, ताजिया हम सोचे जे चीज हम नहीं खाए उसको टेस्ट नहीं करेंगे, बाकी भगवान जाने। समझ में आया? उनको जहरीले मांस खिला दिया गया और मांस जो बहुत खराब था, होटल ही खाते हैं। अच्छा ये चिल्ली पराठा जो बना, चिल्ली बनाता है मुर्गा आज के कि कल के, फ्रिज में रख दिया, तीन चार दिन हो जाता है उसको बना दे देता है तो आपका पेट खराब हो जाता है। पहले के डेट में उपचार नहीं था, उसके कारण से क्या हो गया उन्हें? डायरिया हो गया। कहाँ मर गया? जाके यूपी में के कोसी में जाके उनका देहांत हो गया। कोई दिक्कत? इनके अंतिम संस्कार को मल महाजनपद राजाओं को धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते। वो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में पूर्व हुआ था। कब मर गए वो? 463 कोई दिक्कत नहीं। अब इनके चार संगति थे, कितने संगति थे? वो संगति लिख देते हैं, वो मिटा दे इसको। तो की कहा गया उसे? हाँ कुछ भी सलो नहीं बोलते, लेकिन आ जाइए तुम ना, पड़ोसी आगे पीछे कैसे हो जाता है? लड़ा होगी कि तो हल्दी मच गया। देखिए संगीति था कितना था? एक, अभी चार था, हम एक करके बता रहे हैं। वर्ष बहुत 483 ईस्वी पूर्व, क्या ठीक है? स्थान बहु राजगीर, राजा बहु अजात शत्रु, आजाद होता क्या आजाद होता है जे होता लिख लीजिए त होता। पुरोहित बहु महाकश्यप, पुरोहित कौन? महाकश्यप। कोई दिक्कत? दूसरा बहु, दूसरा संगति बहु 383 बीसी, कहां? वैशाली में। राजा कौन था बहु? कालाशोक। साबक, साबक मीर। तीसरा बहु ये याद कर लीजिए ठीक है, 255 बीसी पाटलिपुत्र। अशोक
मोगली पुलिस पुतिल होता। चौथा प्रथम के मतलब क्या होता, फर्स्ट ब्लो ईसवी में, ईसवी आ जाइए, कुंडल ग्राम कहा, कुंडल वन होना चाहिए, कुंडल वन, कौन राजा वो कनिष्क, वस्तु मित्र क्या वो पांचवा भी था एक तो जो उपदेश के रूप में आया था, शताब्दी, अशोक द्वितीय, अश्व, समझा गया, कोई दिक्कत? अब इसके अलावा कुछ है नहीं, वो मित्र महात्मा यहां से यहां तक ले जो आए और उसके बाद प्रचारक आया, किसके राजा शासन द्वार में आया, के आया, ये संगति था, एकर बाद जो मित्र प्रचारक भी तो होगा ना, एकर तो यहां तक ले तो महात्मा थे, उसके बाद प्रचारक आया उसके संगति बोलते हैं, अच्छा ना, हाँ ठीक है। चौथी बुद्ध संगति के बाद महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म को दो भागों में बट गया था, हीयान वंश और दूसरा वो महायान, हीयान और मतलब चौथी के बाद बट गया था हीयान और महायान। अब सुनिए वो हीनयान के सुनिएगा, यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया था, मतलब कोई भी संशोधित नहीं किया था, कोई भी चेंजिंग कानून नहीं किया था, वो हीयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित साइक्लिकित जिसको चैत्यगिरी इसको बोलते हैं पुणे में स्थित है, कहां स्थित है वो, हीनयान कहां है, पुणे में, महात्मा बुद्ध का रूल नियम को कोई भी बदलाव नहीं किया था, महायान वो या बुद्ध के उपदेशों को परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप से दे दिए, मतलब बदल के क्या किया, आधुनिक नया जनरेशन के लिए दे दिया गया, ठीक है वो, और कोई इसका कोई खास मंजिल नहीं है। अब इसे 8-10 क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग के क्वेश्चन दे लिखिए, ये नोट लिखते चिन्ह होता, ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह लिखिए, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, ठीक है, हम बोल देते हैं बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है, ये हेडलाइनिंग मार दीजिए, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, जैसे गर्भ बहु हाथी से, क्या गर्भ हाथी से, जन्म बहु कमल से, बहु गृह त्याग बहु घोड़ा से, तुमसे पूछा जाएगा गृह त्याग का चिन्ह किससे होता, घोड़ा से, ठीक है, युवावस्था बहु सांड से, ज्ञान प्राप्ति बहु बौद्ध वृक्ष से, प्रथम उपदेश बहु चक्र से बहु, समृद्धि शेर से, निर्वाण मने बहु पद चिन्ह से, मृत्यु बहु स्तूप से, ये सब बहुत चिन्ह है, कोई दिक्कत? अब तुमको क्वेश्चन लिखना है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अंतर, पहला क्वेश्चन बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का कारण, क्वेश्चन लिखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विनाश के कारण, एक क्वेश्चन अगर नहीं भी बना कल हम बता देंगे, ठीक है, नहीं बनेगा बता देंगे, अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग बताइएगा, ठीक है, आपको जिसका आंसर नहीं याद रहेगा लिखवा भी देंगे, ठीक है, अभी बता रहे हैं जिसको आंसर नहीं याद रहेगा लिखवा देंगे, ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए इसका आंसर क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, ये सबको याद है। दूसरा है बहु गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी कौन सी वंश से, कोलीय वंश, सही है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, माता बुद्ध का महानिर्वाण की मल गणराज्य की राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए, सरस्वती के सारनाथ, सरस्वती ने। विज्ञानवाद की स्थापना ईसा की किस तीसरी शताब्दी में हुआ था, मैनेत्रीनाथ, क्या वो, अगली क्वेश्चन लिख लीजिएगा सब। बुद्ध द्वारा स्थापित संत की सभा का प्रस्तुत पाठ को क्या कहा जाता था, अनुसावन। बुद्ध द्वारा स्थापित संत की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था, आंसर लिखिए अनुसावन।
प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था के किया थे बौद्ध समिति अजातशत्रु ने किया था वो शासन काल में अजातशत्रु के ये अभी हम पढ़ाए ना कल इसका जैन धर्म का बौद्ध धर्म का ऑब्जेक्टिव करा देंगे ठीक है एक ही बार में ज्यादा नहीं पूछे क्वेश्चन चार पांच में पूछे।